पौड़ी में केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ छात्राओं के साथ यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, यूकेएसएससी भर्ती घोटाले और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, जिससे परेशान युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशीष नेगी ने कहा कि कई सफेद पोस्ट नेताओं के नाम सामने आना अभी बाकी रह गया है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। यूकेएसएससी भर्ती घोटाला हो चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, इसके प्रकरण में आज हमने यहाँ पर कॉलेज परिसर में पुतला दहन किया है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सफेदपोशों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 35 से 36 लोग अभी गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन इसमें जो नेता जिनकी सह पे यह काम किया जा रहा था उनको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही मुख्यमंत्री इस पर कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा अधिकार हमारा होता है वोट देने का। हमने वोट दिया है, हमने एक विश्वास से अपनी मतलब किसी सरकार को वोट दिया है, और वो ही सरकार अगर हमारे साथ ऐसा करेगी, हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी तो हमें दुख होगा ही, बिल्कुल होगा। इतने मतलब 3 साल हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं।